नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की। सांसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्होंने 12 तुगलक लेन बंगले की चाबी अधिकारियों को सौंप दी है। वो बीते 19 साल से इस घर में रह रहे थे। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। उन्होंने बंगला खाली करने के बाद कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें यह घर दिया था जहां वो 19 साल से रह रहे थे। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई ने जो बोला वो सच है, उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, इसीलिए ये सब हो रहा है। वो बहुत हिम्मत वाले हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। वहीं सूत्रों के मुताबिक घर बदलने के बाद राहुल गांधी अपनी माँ और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपद स्थित आवास पर रहेंगे। उन्होंने बंगला खाली करने से पहले 14 अप्रैल को अपने दफ्तर और कुछ निजी सामानों को अपनी मां सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास में शिफ्ट कर दिया था। भाई, भाई ने जो कहा वो एकदम सच है, उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट फॉर यू टुडे। रहेंगे आप राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है, कई बार कहा गया कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में, मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर XCP के साथ 10 जनपद में रहूंगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अतीक और अशरफ हत्याकांड में बड़ी आतंकी धमकी मिली है। दरअसल अलकायदा ने अतीक की हत्याकांड का बदला लेने के लिए धमकी दी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करके कहा है कि इस हत्याकांड का हम बदला लेंगे। कुख्यात आतंकी संगठन की इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। पुलिस की सुरक्षा के बीच इस सनसनीखेज हत्याकांड को शूटर अरुण मौर्य, सनी और लोकेश तिवारी ने अंजाम दिया था। तीनों पत्रकार बनकर पहुंचे थे। इसके बाद जैसे ही अतीक और अशरफ ने मीडिया से बात करनी शुरू की, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान हुए करीब 18 राउंड फायरिंग में 8 गोलियां अतीक को लगी थी। फिलहाल इस हत्याकांड की जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राज्य में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। पिछले कई महीनों से लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर अखिलेश ने शनिवार को फिर से इसकी मांग की है। अखिलेश ने कहा है कि राम राज और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो, जाने न जाने होने के बाद भी हम सबको सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा है, जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा, जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जातीय जनगणना से ही राम राज्य आएगा। गौरतलब है कि कई क्षेत्र दल लंबे समय से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आखिरकार जाति को जनगणना का काम शुरू कर दिया है। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा। इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने अपनी मांग और भी तेज कर दी है। समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो, जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा, जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा, जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा,
जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पहली लिस्ट जारी की है। एनसीपी ने इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। साथ ही पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी लिस्ट जारी की है। एनसीपी ने उत्तम पाटिल को बेलगावी जिले के नीपनी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जो मराठी भाषा आबादी वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। देवार हिपारगी से मंसूर साहेब बिलगी, बसवन बागेवाड़ी क्षेत्र से अमीर अहमद ईमानदार को मैदान में उतारा गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं हरदोई की। हरदोई में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अक्षय तृतीया के मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा गांधी भवन में भगवान श्री परशुराम का जन्म उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी रही। यहाँ भगवान परशुराम की आरती की गई और इस दौरान सभी ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। अभी आप सब ने देखा कि भगवान परशुराम जी के जन्मदिन को बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पे मनाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ विप्र समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और वाकई में ऐसा लग रहा था कि हम कोई उत्सव को मना रहे हों। भगवान परशुराम के जन्मदिन पे यही संदेश है सबके लिए कि हमारे पास भगवान ने हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, पराक्रम दिया। उसके साथ उसका प्रयोग हम लोग इसलिए करें कि किसी के साथ में अनीति ना हो पाए, किसी के साथ अत्याचार ना हो पाए। वहीं हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके में फरवरी में हुए 45 वर्षीय महिला के ब्लाइंड मर्डर की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट सर्विलांस एसओजी और कासिमपुर पुलिस टीम द्वारा इस घटना में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसका शव जंगल में पड़ा पाया गया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतका के पति की मौत हो चुकी थी और घटना में शामिल युवक अविवाहिता था और मृतका से विवाह के लिए दबाव बना रहा था। जब उसने मना कर दिया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये 13 फरवरी को थाना कासिमपुर के जंगलों में एक 45 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको देख करके हत्या की आशंका हुई थी। परिजनों अज्ञात के विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम कराया गया था। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, जिसका कि कहीं कोई और छोर नहीं मिल रहा था, कोई मोबाइल फ़ोन का भी इसमें यूसेज नहीं हुआ था, कोई सीसीटीवी फुटेज भी उधर के आसपास नहीं थी। वहीं हरदोई में निकाय चुनाव के मद्देनजर कछौना और संडीला पुलिस के द्वारा अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध हथियार बना रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से बड़े पैमाने पर बनाए गए अवैध तमंचे, अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस, खोखा और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हरदोई में लगातार 3 दिन फैसला फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। लोनार मझिला पचदेवरा के बाद अब ये फैक्ट्री पकड़ी गई है और इन तीनों में 21 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। अति शीघ्र होने वाले नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में सीओ बघौली और सीओ संडीला द्वारा टीमें बना करके अपराधियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें ये थाना संडीला से और कछौना से ये 2 शस्त्र फैक्ट्रियाँ बनाने वाले शस्त्र फैक्ट्रियाँ बरामद की गई हैं।
वहीं संभल में अतीक अशरफ की हत्या पर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीक की हत्या विपक्ष ने कराई है, राज खुलने के डर से विपक्ष ने हत्या कराई है। वहीं उन्होंने अतीक मसले पर मंच से ही बोला है। संभल के चंदौसी में नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीधे सीधे विपक्ष पर अतीक की हत्या कराने का बड़ा बयान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज खुलने के डर से अतीक की हत्या कराई गई है। उन्होंने विपक्षी दल का नाम नहीं बताया जिसने हत्या कराई है। क्या हत्या में समूचा विपक्ष शामिल है या कोई खास दल है, ये तो मंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं। योगी सरकार के मंत्री का बयान विपक्षी खेमे में खलबली मचाने वाला है। मामले में विपक्ष ये कह रहा है कि अतीक का मामला जो था ये जुल्म के इंतहा है, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ, अतीक को जो है शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको क्या? देखिए सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। चलिए अब बात कर लेते हैं महोबा की। महोबा में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर सहित पूरे जनपद में ईद की नमाज अकादित के साथ पढ़ी गई। पहाड़ पर बनी प्राचीन ईदगाह में पहुंचे हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज को अदा करते हुए मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। शहर काजी अफकाक हुसैन ने निर्धारित समय पर नमाज को पढ़ते हुए खुतबा पढ़ा और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर DMSP ने भी आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शांति व्यवस्था के मद्देनजर जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ईद उल फितर तो असल हम पर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, और हकीकत में अगर आप गौर करें तो ईद का इनाम सही मानों में रोजदारों का ही है, जिन्होंने रमजान के 30 रोजे रखे उनको अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में ईद की शक्ल में ये इनाम दिया। और ये चूंकि उस नबी का सदका है जो नबी सारे आलम के लिए रहमत आलम बन करके आया। वही सीतापुर के हरगांव स्थित तीर्थ स्थल पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिनाम बाबू मिश्र ने कहा है कि परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम के जन्मदिन को हर साल परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका उम्मीदवार हरिनाम बाबू मिश्र ने बताया कि पूर्व में नगर में जितना विकास मैंने किया वो खाली दिखता है। अगले साल परशुराम जयंती को और भी धूमधाम से मनाया जाएगा और परशुराम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। भगवान परशुराम की जयंती है, जन्मोत्सव है, छठे तृतीया के तौर पर मैं अपने नगर की समस्त देश प्रदेश की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। भगवान परशुराम ने जब जब कहीं कोई ताई हुआ या कहीं कुछ हुआ, भगवान समय समय पर अपना किसी न किसी के रूप में देश धरकर अवतार लेकर यहाँ हमारे अपना कार्य किया है। इसी अवसर पर हम लोग भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों, नगर के वासियों को बहुत फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।